अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को दुकान पर अपना नाम लिखना होगा, जिससे किसी को कोई कंफ्यूजन ना हो। कावड़ यात्रा में कोई गड़बड़ी या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये बड़ा फैसला प्रशासन का। और ये भी बता दें साथी कि अब इस पूरे फैसले पर अलग अलग रिएक्शंस अलग अलग पार्टीज के सामने आ रहे हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कावड़ यात्रा मार्ग पर दुकान मालिकों को दुकान पर अपना नाम लिखना होगा, ताकि कावड़िए किस दुकान से क्या खरीद रहे हैं उन्हें पता हो, किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। कांवड़ यात्रा में कोई गड़बड़ी या किसी भी तरह से किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है। ये देखिए, उसकी एक तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ये आम के ठेले वाले, इन्होंने अपना नाम लिखा हुआ है, कौन क्या बेच रहा है, किसका क्या नाम है, ये पूरी जानकारी ठेले पर या दुकान पर उनको देनी होगी। शिव भक्तों में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन दुकान या दुकानदार को लेकर ना रहे। खाने पीने वाली दुकान के नाम बहुत जरूरी है लिखना, ये प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया है। कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपने स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले योगी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दुकानदारों से अपील की थी कि मुस्लिम दुकानदार अपनी दुकान में अपना नाम जरूर लिखें, जिससे कांवड़ यात्रा के दौरान यात्रियों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो कम से कम रखे मुख्यमंत्री से बात ना लिखे होगी और किसी हिंदू देवी देवता के नाम से हिंदू नाम से किसी मुस्लिम का नाम ना हो, ताकि फिर कंफ्यूजन होता है और बाद में पता आ जाता है उसके कारण से विवाद बढ़ने की संभावना है। उसको आप सुनिश्चित करें और घर वाले को बोल मिले उसकी मांगिंग ही इस प्रकार के माध्यम से आप करेंगे। तो देखिए, इस फैसले के बाद अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है यूपी पुलिस के फैसले को लेकर। ओवैसी का ट्वीट, कांवड़ रूट पर दुकानों के बोर्ड को लेकर ट्वीट किया है। बोर्ड में नाम लिखने के फैसले पर निशाना साधा, यूपी पुलिस के फैसले को हिटलर शाही से जोड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड कहा जाता था, जैसे हिटलर की जर्मनी में इसका नाम ज्यूरियन बॉयकॉट था, और उसी से रिलेट करते हुए निशाना साधते असदुद्दीन ओवैसी नजर आए हैं और इस फैसले को तानाशाही बताया है। महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट आया है। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सहारनपुर से देवेश त्यागी, मेरठ से निखिल अग्रवाल, मुजफ्फरनगर से विनेश पवार, गाजियाबाद से अमित राणा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। विनेश पवार, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। मुजफ्फरनगर में प्रशासन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया कि दुकान मालिकों को, दुकानदारों को दुकान पर पूरी डिटेल लिखनी होगी, क्या वो बेच रहे हैं, उनका नाम क्या है। इस फैसले के बाद कैसे रिएक्शन आ रहे हैं वहां पर, विनेश? पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस तरह का जो मामला है, ये पहले भी हिंदू धर्म जो धर्मगुरु है उनके द्वारा कई बार उठाया जा चुका है कि मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक के जितने भी हाईवे हैं उन पर तमाम जितने भी होटल दुकानदार हैं वो अपने जो नाम है देवी देवताओं के, हिंदू देवी देवताओं के नाम से ना रखें। मगर अब जब कांवड़ यात्रा आ गई है, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही के जो मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने भी कांवड़ यात्रा को लेकर एक मीटिंग चल रही थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि जितनी भी दुकानें उन दुकानों पर जो हिंदू देवी देवता उनके नाम ना रखे जाए। अब उसके बाद से मुजफ्फरनगर पुलिस के द्वारा आज SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक सिंह ने कहा है कि जो ये खान पीन की दुकानें हैं, फल फ्रूट्स और जितने भी ढाबे हैं, इन पर जितनी भी नेम प्लेट लगी रहनी चाहिए, जो प्रोप्राइटर है, वो दुकानदार है, जो मालिक है, जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनका नाम लिखा रहना चाहिए। ताकि उन्होंने इस बात का हवाला दिया कि कहीं ऐसा ना हो कांवड़ यात्रा के दौरान कोई भी लॉ एंड ऑर्डर संबंधित कोई समस्या खड़ी हो, उससे पहले ही ये सब तमाम नाम लिखे जाने चाहिए, जो फल बेच रहा है, जो
किसी भी खान पीन की जो दुकान है उस पर नाम लिखा जाए। आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से ये आम का जो ठेला है इस पर नाम लिखा गया है, इस तरह की ये प्लेट तैयार की गई है। ये देखिए ये प्लेट है और किसी प्लास्टिक टाइप की ये प्लेट है, इस पर नाम लिखा गया निसार फल। और बाकायदा ये यहाँ से पूरा का पूरा जो ये रोड है ये कवर्ड यात्रा जो चलेगी ये वो पूरा मार्ग है और इसी पर ये तमाम जितने भी फल और जितने भी खान पीन की चीजें उन्हीं के तमाम दुकानदारों को ये निर्देश जारी किए गए हैं ताकि कोई, और ये भी हवाला दिया गया पुलिस की तरफ से कि कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर संबंधित कोई समस्या खड़ी ना हो कावड़ यात्रा के दौरान। अब ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हुए हैं, लोगों ने कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। मैं इन्हीं दुकानदार से पूछता हूं, जिस तरह से नाम लिखा गया इससे कोई आपकी दुकानदारी पर फर्क पड़ेगा? क्या मानते हैं, किसने आपको ये बोर्ड लगाने को दिया? ये पुलिस वालों ने कहा है, पुलिस वालों ने कहा है, कहने लगे बैनर लगाओ आप इस पे ठेली पे और अपना सामान बेचो बस अपना। पहले भी कावड़ यात्राएं हुई हैं तब उस समय नाम लिखा जाता था? नहीं नहीं, इस समय नहीं लिखा गया। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने का ना पड़ेगा। ये तो कितना सही मानते हैं आप इसको? इसे तो बहुत सही मानते हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं है। आप बातचीत जारी रखिए लोगों के साथ, फिर लौटेंगे हम। और हमारे साथ मेरठ से निखिल अग्रवाल भी हैं और गाजियाबाद से अमित राणा भी हैं। रुक कर लेते हैं सीधा गाजियाबाद से अमित राणा का, उन्हीं से जानते हैं। अमित, गाजियाबाद की बात की जाए तो यहाँ जब कांवर यात्रा होती है और जब ये अपने चरम पर होती है, यहाँ रूट डाइवर्ट भी होते हैं, रोड्स बंद भी होती हैं, बड़े पैमाने पर कांवरियों के शिविर लगते हैं, लेकिन इस फैसले के बाद कि हर दुकानदार को अपना नाम मेंशन करना होगा अपनी दुकान पर, क्या कहना है उनका? क्या इसके पीछे वो कोई राजनीति देख रहे हैं या इसको सीधा नफे नुकसान से तौल कर देख रहे हैं? क्या फायदा क्या नुकसान, क्या बात कर रहे हैं दुकानदार और आम लोग? देखिए आस्था, मैं आपको बताना चाहूंगा, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्राचीन दुर्गेश्वर मठ मंदिर है जहाँ से स्वयंभू शिवलिंग निकले थे। यही कारण भी है कि ना सिर्फ गाजियाबाद बल्कि आसपास के इलाकों से भी कांवड़िया यहाँ आते हैं और जल लेकर जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा, मेट रोड पे हम फिलहाल खड़े हुए हैं। ये एक ढाबा है, भूमि ढाबा इसका नाम है और जिसपे लिखा हुआ है पराठे ही पराठे, और इन्होंने पहले से ही अपना नाम भी यहाँ क्लियर किया हुआ है, विपिन कश्यप यहाँ लिखा हुआ है, वीके शुद्ध भोजनालय यहाँ लिखा हुआ है, जय माता दी यहाँ लिखा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने हैं और आपको बताना चाहूंगा कांवड़ यात्रा पहली बार ऐसा नहीं निकल रही है, इससे पहले भी निकलते रही है, तो इसको लेकर जो दावा संचालक है उनका क्या कहना है उनसे ही जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। भाई सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता। गुप्ता जी, जिस तरह का एक आदेश आया कि भाई जो दुकानदार हैं, ढाबा संचालक हैं, जो भी कावड़ का जो मार्ग पड़ेगा उस मार्ग पे अगर उनका ढाबा है या दुकान है या कुछ भी वो चीज़ वहाँ देखते हैं तो उन्हें अपना नाम वहाँ पर खोलना होगा, मतलब नाम लिखना होगा, क्या सही फैसला मानते हैं? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही है। क्योंकि भोले का कहते हैं भोले की फौज करेगी मौज, है ना, तो भोले की फौज में अगर कई बार ऐसा होता है कि कई अलग जो धर्म के या समुदाय के लोग होते हैं वो नाम बदल के रख लेते हैं, तो क्या 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 कहना है इस बारे में? नहीं नहीं, गलत है, ये गलत है, गलत है, सही है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, ये गलत है, विरोध करने वाले की गलत है, सही जाँच करनी चाहिए अच्छी तरह से, बिल्कुल बढ़िया बात है, विरोध नहीं करना चाहिए जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये गुप्ता जी हैं जो यहाँ पर मेट रोड पर अपना ढाबा चलाते हैं, यानी कि कई लोगों के साथ देते नजर आ रहे हैं प्रशासन का, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब रुक कर लेते हैं मेरठ का, निखिल अग्रवाल हमारे सहयोगी वहां से जुड़े हैं। निखिल, वहां पर जनता क्या सोच रही है ये भी बताइए, क्योंकि देखिए ऑलरेडी कई दुकानों पर तो बोर्ड मेंशन होगा जिसमें नाम लिखा होगा, लेकिन जो रेड़ी वाले हैं, जो आम बेच रहे हैं, जो फल बेचते हैं रेड़ी पर, वो क्या नाम मेंशन कर रहे हैं? साथ ही इस फैसले को वो कैसे देखते हैं, क्या इससे वो नुकसान देख रहे हैं या फायदा होगा, इस पर उनका क्या रिएक्शन है? बातचीत करिए। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश का यही वो रास्ता है जहां से कांवड़ियों का जत्था जाएगा, कुछ दिन बाद से यही बम बम के जयकारे लगेंगे और यहीं से कांवड़ियों का जत्था जाएगा, लाखों कांवड़िये इसी सड़क से होकर जाते हैं। और जिस तरीके से एक फैसला आया है कि कांवड़ियों के लिए जो दुकानदार है उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा और अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी ताकि कोई भ्रम में ना रहे कि जिसको जहां खाना खाना है, जिसको जहां से जो सामान लेना है उसका वहां पर उसको पता होना चाहिए वो किसके यहाँ से सामान ले रहा है, किसके यहाँ से खाना खा रहा है, इससे जो घटनाएं हैं वो भी कम होंगी। हमारे साथ कुछ लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, ये बताएं एसएसपी मुजफ्फरनगर ने कहा है कि जिसको अपने नाम डिस्क्लोज करने पड़ेंगे, है ना, ये बताइए कितना असरदार रहेगा ये फैसला? नहीं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी मेरी समझ से बाहर है, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे ये तो बंटवारा ही तो कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे, और तो कुछ नहीं है। इससे बंटवारे की बात यहाँ पर लोग कह रहे हैं, इसके अलावा फल वाले भी यहाँ मौजूद हैं। जिस तरीके से कुछ जो कावड़िये होते हैं यहाँ पर
फल खरीदते हैं और दूसरे सामान खरीदते हैं, अब सरकार का ये फैसला है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, आपको पे बोर्ड लगाना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, क्या सही है कावड़ के समय पे? नहीं, कावड़ के समय पे तो हट जाते हैं ठेले, ये सारी लेन में से बंद हो जाएंगे और अंदर बेचेंगे सब। बस देखिए, लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग मान रहे हैं कि इससे समाज में एक बंटवारे वाली भावना जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि मेन रोड पर ना बिककर फिर अंदर की तरफ लोग बेचेंगे, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी पहल है।